नमस्कार दोस्तों, ठीक हो सारे? तो स्वागत है आज का आपका आज के डिस्कशन में। हमारा जो SSC का टेस्ट है वो डिस्कस कर रही हैं। आज का नाम है SKSSC LDC 17 AZKN। तो ठीक है पूजा मैम, हम डिस्कशन स्टार्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो ब्रैकेट पार्ट गिवन है उसको इम्प्रूव करना है। द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप, कि जब मैं वहाँ स्टेशन पे पहुँची तो क्या हो चुकी थी, बस जा चुकी थी। देखो यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है और ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा ठीक है, कोई गलती इसके अंदर नहीं है। तो फर्स्ट एक्शन क्या है कि बस जो है वो जा चुकी थी मेरे पहुँचने से पहले, तो नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमें रीअरेंज करना है। देयर इज नेवर बिहाइंड द परसिस्टेंस ऑफ सच प्रॉब्लम्स इट ऑलवेज हैज़ ए सिंगल फैक्टर टू बी ए नेक्सस ऑफ फोर्सेस। देखो इसके अंदर हम देखते हैं, अगर ऑप्शन उठा के देख लो, ऑप्शन से देख लो, या देखते हैं कि देखो यहाँ पे है देर इज नेवर, तो उसके बाद बिहाइंड द परसिस्टेंस या ए सिंगल फैक्टर या टू बी ए नेक्सस ऑफ फोर्सेस। देखो यहाँ पे जो इज वर्ब है इसके लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो बिहाइंड एक प्रेपोजिशन हो गया, ये भी हमारा इसके बाद वाला जो है द परसिस्टेंस ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। टू के बाद वाला है वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बचा क्या? ए सिंगल फैक्टर। तो देयर इज नेवर ए सिंगल फैक्टर, कहने का मतलब मैम यही है कि जो इसके अंदर देयर इज नेवर है, ये इज एक हम कहते हैं कि जो वर्ब आती है सेंटेंस के अंदर या क्लोज के अंदर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और ये इज आया है किसी न किसी के अकॉर्डिंग आया हुआ जो इस चीज़ का सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देयर किसी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। देयर एक प्लेस को डिनोट करता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कुछ और है। ए सिंगल फैक्टर हो सकता है हमारा सब्जेक्ट, टू प्लस में बी। अब प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ये वाला हमारी स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकती आर से, और बिहाइंड भी हमारी क्या है एक प्रीपोजिशन, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग किससे होगी हमारी? क्यों से स्टार्टिंग होगी? तो हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब बात आती है देयर इज नेवर ए सिंगल फैक्टर, अब किसके पीछे है, मतलब सिंगल फैक्टर हम किसकी बात कर रहे हैं? बिहाइंड द परसिस्टेंस ऑफ सच प्रॉब्लम। अब परसिस्टेंट ऑफ सच प्रॉब्लम का मतलब क्या है? जो प्रॉब्लम्स अभी हैं उनके पीछे क्या है? एक सिंगल फैक्टर है। इट ऑलवेज हैज टू बी, कहते हैं ना हैव टू और हैज टू, हमारा क्या होता है मोडाल होता है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिल्कुल हमारा ये हमें कोलोकेशन मिल गया कि पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। हैज टू बी एन एक्सेस ऑफ फोर्सेज की क्या है, मतलब किसी भी सच ऐसी प्रॉब्लम्स के पीछे एक सिंगल फैक्टर नहीं होता, क्या होता है? इट हैज टू बी ए नेक्सेस ऑफ फोर्सेज, इसके पीछे क्या होती है? बहुत सारी फोर्सेज की क्या होती है? नेक्सेस होती है, उनका समूह होता है। तो इसे हमें क्या मिल गया? क्यों हमारा फर्स्ट है, पी के बाद हमें क्या था? आर मिल गया। तो क्यों पी हमारा आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन है वो देखते हैं, फर्स्ट वाला। तो हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है नेक्स्ट में भी हमें यही बताना है। इफ सोसाइटी कंसीडर दिस टू वंडर इफ सोसाइटी इटसेल्फ इज नॉर्मल टू बी नॉर्मल और ट्रीट्स इट विद इंडिफरेंस वन हैज। देखो हम अगर क्यू को उठाते हैं टू बी नॉर्मल और ट्रीट्स इट विद, अब देखो हमें कुछ ना कुछ चाहिए कि किस चीज के साथ वो क्या कर रहा है, नॉर्मल है ट्रीट है, तो विद का हमें उसका रीजन चाहिए। तो देखो क्या आएगा कि विद इनडिफरेंस। अब देखो ये लेके चलते हैं, अगर हम इफ सोसाइटी कंसीडर दिस टू बी नॉर्मल, यानी क्यू के बाद आर आएगा, तो क्यू के बाद आर देख लो किस किस ऑप्शन में है किस में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्यू के बाद आर पहले है ये भी नहीं हो सकता, थर्ड है वो भी नहीं हो सकता, फोर्थ है वो भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में सिर्फ सेकंड बचा है। कह क्या रहा है कि इफ सोसाइटी कंसीडर दिस टू बी नॉर्मल और ट्रीट्स इट विद इनडिफरेंस वन हैज टू वंडर इफ सोसाइटी इटसेल्फ इज नॉर्मल, कि अगर सोसाइटी उस चीज को क्या करती है, नॉर्मल समझती है, कंसीडर करती है और उसको ट्रीट करती है इनडिफरेंट, कि उसको मतलब समझती नॉर्मल है लेकिन इनडिफरेंट उसको ट्रीट करती है, तो मतलब किसी बंदे को क्या हो सकता है, इस बात से वंडर होगा, चिंतित होगा, सोचेगा कि सोसाइटी खुद नॉर्मल है या नहीं, तो यही बता रहा है इसमें। तो हमारी सीक्वेंस जो है क्यू आर पी रहेगा। मेन जो इसके अंदर था वो यही था कि जो इट विद है वो उसका आंसर हमें चाहिए, तो वो टू वंडर भी आंसर नहीं कर रहा, टू बी भी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? इनडिफरेंस। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट रहेगा।
आगे जो है हमें एक idiom गिवन है उसका मीनिंग बताना है. देर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, कि फ्री लंच जैसी कोई बात नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती. यानी कि हम कोई भी काम करते हैं उसके बदले, या हम किसी के लिए करते हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब रिवार्ड या कुछ ना कुछ चीज़ें गिवन होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, इट इजेंट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट में हमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग. फर्स्ट है डेमागोगी. डेमागोगी जो है उसमें डबल जी नहीं आता, सेकंड वाला सिंगल जी आएगा, जिसका मतलब होता है कि मतलब एरोगेंट होना, अपनी ही सब कुछ चलाना, कि लीडर जो है वो सिर्फ अपनी है अपनी चलाता रहे. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा आंसर. सेकंड जो है वो है गैलीलियन. गैलीलियन जो है, जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो गैलीलियन मेथड थे उनका यूज है. तो यहाँ पे जो आपका सेकंड जो डबल एल है वहाँ पे सिंगल एल आएगा. तो ये भी स्पेलिंग हमारी करेक्ट नहीं है. थर्ड देखते हैं पीजन. पीजन जो है उसका मीनिंग होता है एक बर्ड होता है जिसकी लॉन्ग टेल होती है, ए बर्ड विद लॉन्ग टेल. तो यानी एक बर्ड है ये, इसकी स्पेलिंग आपकी ठीक है. फोर्थ है एक्यूरल्स. एक्यूरल जो है उसमें डबल सी यूज होता है ना कि सिंगल एल. का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, कोई भी मनी ले लो, कोई वैल्यू ले लो, उसकी चीज, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाना. तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एरर बताना है. वैभव वाज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज इवन दो हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू टेक अप मेडिसिन. यहाँ पे कह रहा है कि वैभव वाज ट्राइंग, मतलब वो कोशिश कर रहा था क्या करने की, एडमिशन लेने की. कहाँ पर? इंजीनियरिंग कॉलेज में. इवन दो, देखो हमारे पास कंजंक्शन होते हैं ऑल दो, इवन दो और दो, इनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है तीनों तीनों का, लेकिन हमें इवन दो यूज करते हैं जो ज़्यादा एम्फोसाइज करना होता चीज़ों का. ऑल दो तो हम वैसे यूज करते हैं कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन शो करनी है, लेकिन इवन दो जब तब करते जब ज़्यादा एम्फोसाइज करना है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन की यार एम्फोसाइज करना ही करना, क्योंकि दूसरे की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि यार करना चाहिए था लेकिन नहीं हुई वो चीज़, तो इवन दो वहाँ पर यूज करते हैं. तो इवन दो यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? इवन दो हालांकि क्या बात है कि उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो मेडिसिन ले. अब मेडिसिन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि इसको टैबलेट लेनी है, यहाँ पे मेडिसिन का मतलब क्या, इसको मेडिकल मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करना, मतलब टेकअप मेडिसिन का मतलब यहाँ पे इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है. वो चाह तो रहा है कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज करूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई मेडिकल ले ले. इसके अंदर कोई एरर नहीं है, दोनों अपनी जगह ठीक है, पेरेंट्स भी ठीक है उसकी अपनी जगह और वो बच्चा भी ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है. सेवन्थ में आई हैव बीन राइटिंग 20 पेजेस सिंस मॉर्निंग. अब देखो मैं मतलब 20 पेज लिख रहा हूँ मॉर्निंग से, या मैं 20 पेज लिख चुका हूँ, क्योंकि मैंने 20 पेजेस यहाँ पे क्या अकाउंट कर दी वो चीज़ कि कोई चीज़ मैं लिख चुका हूँ और काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसके कंप्लीशन वाला हम लोग क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर मान लो आप लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेते भी हो, क्या हो जाएगा फिर, कि मैं 20 पेज लिख रहा हूँ, मैंने पहले ही डिनोट कर दिया कि 20 पेज का मतलब मैंने 20 पेज लिख लिए, कंप्लीशन हो चुकी, तो कंप्लीशन वाला हमें यहाँ पे चाहिए, जो क्या शो कर रहा है, आई हैव रिटन सिंस मॉर्निंग. मैंने बताया था आप लोगों को टाइम बीइंग के साथ हम लोग यूज कौन सा करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिलर गिवन है, इट वॉज डैश हॉट समर हॉट दैट समर, मतलब उस गर्मी बहुत हॉट थी, उस गर्मी बहुत क्या थी, गर्मी थी. देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट है वो ऑप्शन हमारा अनबिलीवेबली. अनबिलीवेबली का मतलब होता बहुत चीज एक्सट्रीम में होना, एक्सट्रीमली, हमारी कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीम में होती है तो उन चीज़ों के लिए हम करते हैं अनबिलीवली, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता यार चीज़ ये हो सकती है क्या, तो इस सेंस में हम अनबिलीवली का यूज करते हैं. देखते हैं इस ऑप्शन को भी. नेक्स्ट है हमारा अनएक्सेप्टेबली. अनएक्सेप्टेबली का मतलब हम लोग किसी चीज़ के लिए करते हैं कि यार वो चीज़ अनएक्सेप्टेबली है, उस चीज़ को हम लोग अलाउ नहीं करना, तो इसका मतलब हो जाता है नॉट अलाउड, वो चीज़ अलाउड नहीं है, वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, तो नॉट अलाउड, तो वो समर हमारी वो चीज़ अलाउड नहीं है क्या? नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. सी ऑप्शन हमारा सुप्रीमली. सुप्रीमली का हमारा क्या होता है कि हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं, कोई चीज़ एक्सीलेंटली काम कर रही होती है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं. एक्सीलेंटली का सिनोनिम हो जाएगा सुप्रीमली. तो कोई एक्सीलेंटली हम किसी क्वालिटी जो बढ़िया क्वालिटी है, तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी की बात करें तो ये किसी की क्वालिटी नहीं हो सकती ये चीज़, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. डी है अमेजिंगली. अमेजिंगली का मतलब तो कोई चीज़ बहुत बढ़िया होती है,
वेल हमारा इसका क्या है, वेरी वेल या वेल इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो उस गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वेल इस सेंस में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वेल क्या है, किसी की कंडीशन बताता कोई चीज़ बढ़िया हो। लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमें लोगों को नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि जो गर्मी है उस गर्मी, एक तो गर्मी में ही गर्मी की बात करें तो बहुत नेगेटिव वर्ड चाहिए हम लोगों को। कौन सा आएगा, एक्सट्रीमली, हमको कुछ एक्सट्रीम में हमें चाहिए यहाँ पे मीनिंग, और एक्सट्रीमली हमें कौन सा वर्ड दे रहा है, अनबिलीवेबली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में, इन द फेस ऑफ द डैश क्रॉस एग्जामिनेशन द एक्यूज्ड रिमेन्स स्टोइक, कहने मतलब है इन फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, तो इसके बावजूद क्या हुआ, इंस्पाइट ऑफ द डैश क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब किसी से बार बार क्वेश्चन पूछना किसी भी तरीके से, उसके बावजूद भी द अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब वो बंदा जिस पे दोष लगाए गए थे, रिमेन स्टोइक, वो रिमेन स्टोइक रहा, उस पर कोई फर्क नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ा ऐसा वो दिख रहा था। ठीक है, अब देखते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसी थी, सॉलिड थी, बहुत सॉलिड थी, मैं कहते ना बहुत मजा आ गया, सॉलिड सॉलिड पिक्चर थी। तो यार ऐसी थी क्या वो, देखते हैं। टेरिबल, टेरिबल मतलब बिल्कुल डराने वाली थी। टीडीएस, थकाऊ थी कोई चीज़ें, मतलब बिल्कुल यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थका दिया यार उसने तो, मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछने चाहिए थे, पता नहीं पूछ क्या रहा था, पता नहीं क्या उनको हो गया था, चाय नहीं मिली थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो टीडीएस इस सेंस में देखते हैं इसको भी। फोर्थ ऑप्शन है ग्रूलिंग, ग्रूलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल एक्सट्रीमली टायरिंग हो, उसमें डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो, मतलब जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो थक गया हो, और लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार वो जवाब ही ना दे पाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन, यार तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे, क्या करने गए थे, तुम्हारा मतलब क्या वहाँ पे जाना, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन यार वो थक जाए देते देता उनके जवाब। देखो टीडीएस और ग्रूलिंग में डिफरेंस सिर्फ यही है कि टीडीएस होती है हम लोग जनरली जॉब के लिए यूज करते हैं, यार कोई काम दे दिया किसी को, वो बहुत थकाऊ काम है, कहने का मतलब है किसी को काम दे दिया यार तूने साइन साइन करने हैं, अब वो सारा दिन साइन ही साइन करता रहेगा, पता नहीं इसको मजा ही नहीं आएगा चीज़ों में, मतलब एक घंटा कर लेगा, दो घंटा कर लेगा, सारा दिन तो साइन नहीं कर सकता ना, सिग्नेचर नहीं कर सकता चीज़ों पे, तो टीडीएस जॉब हो जाएगी। एक टीडीएस जर्नी भी होती है हमारी, किसी जर्नी के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड, कि यार वहाँ से वहाँ गए और बस में चले गए, बस में जाना यार पता नहीं क्या हाल हुआ मेरा, मेरे को ही पता है, तो टीडीएस जर्नी हो जाएगी। सॉलिड यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ के लिए यूज होती है। तो स्टोइक का मतलब देखो यहाँ पे स्टोइक रहा, मतलब उसके साथ ना कुछ ज्यादती हुई है तब भी वो यहाँ पे रहा ना, इन द फेस ऑफ, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन गिवन है, और प्रीपोजिशन का मतलब जो चीज़ यहाँ पे हुई उसका अपोजिट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो स्टोइक है मतलब यहाँ पे कुछ बोला नहीं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तो गलत वाला वर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रूलिंग, की उसको बहुत थकाया गया, उसके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन पूछे गए उस सेंस में। टेरिबल नहीं हो सकता, टेरिबल डराने वाली हो सकती है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन टेरिबल नहीं होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन में ज़्यादा डिमांडिंग वाले क्वेश्चन फिट बैठ रहे हैं, तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ए टेंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल, वूल यहाँ पे वही ऊन हो गया, जब हमारा ऊन का ऐसा कोई गट्ठा होता है तो उसको क्या कहेंगे, या किसी के बाल होते हैं जिनके करली हेयर होते हैं उनको क्या कहेंगे, तो ठीक है उसको कहेंगे नोट, नोट का मतलब होता है किसी चीज़ का गुच्छा होना, या मतलब कोई चीज़ बंधी हुई होना, जैसे टाई द नोट हमारा ईडियम भी होता है, टाई द नोट, नोट का मतलब होता है गांठ बांधना, तो उस लोगों ने क्या है अपने रिश्तों की क्या है गांठ बांध ली, किसी के साथ भी होना होता है टाई द नोट का मतलब, तो यहाँ पे नोट का मतलब क्या है किसी को किसी चीज़ की गांठ बांधना, मतलब उसको क्या है टेंगल कर लेना, तो इसका आंसर हो सकता है, और ऑप्शन भी हम लोग देख रहे हैं, बी ऑप्शन हमारा वोर्टेक्स, वोर्टेक्स को हम लोग कहते हैं तूफान होता है ना हमारा, तूफान जैसे हमारा सिनोनिम होता है स्वर्ल, स्वर्ल का मतलब भी होता है तूफान, वर्लपूल हमारी क्या होती है एक वॉशिंग मशीन आती है जो घुमाती रहती है चीज़ों को, कोई सर्कल वे में बिल्कुल ज़्यादा बवंडर टाइप में हो जाना वो होता है वोर्टेक्स, तो बवंडर का और हेयर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी एस स्नोट, स्नोट हम उस बंदे को कहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वर्थलेस पर्सन को भी हम लोग क्या कहेंगे स्नोट कहेंगे, और स्नोट का एक्चुअल मीनिंग होता है जिसके मतलब नाक से पानी बहता रहता हो, जैसे कहते हैं ना सिंचैन होता है, सिंचैन के नाक से पानी बहता रहता है तो उसको क्या कहेंगे ही इज ए स्नोट, स्नोट इस सेंस में कहेंगे, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। डी है वोल, वोल का मतलब होता है कोई चीज रिंग में होना, मतलब गोल होना, मतलब रिंग इसका काइंड ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है, कोई चीज गोल होना या किसी सेंटर के चारों तरफ हम कुछ खींचे वो उसका वोल हो जाता है, तो वोल ये ऐसी सेंस में होती है, तो ये क्या है टेंगल्ड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में सिनोनिम गिवन है, सिनोनिम बताना है जो गिवन वर्ड है, वर्ड है एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना,
कि वो कैसे हुई क्या नहीं हुई उसके बारे में सोचना, यानी कि थिंक करना उसको। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है डिड्यूस, डिड्यूस का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, भी कोई डिसीजन लेना है तो हम उसके बारे में पहले सोच लेते हैं भाई ये ठीक है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन। सेकंड है रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, भाई मैंने उसको, मैंने कोई अपील लगाई या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिया देखने के लिए, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। थर्ड है स्क्रूपल, स्क्रूपल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मतलब डाउट होना, भाई मतलब संदेह होना कि मेरे को ना ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही, ठीक है, वो होता है स्क्रूपल। फोर्थ ऑप्शन है वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है कि जो चीज़ मतलब चेंज होती रहे, एक टाइम मतलब ठहर के ना रहे, लगातार जो चेंज होती रहे, वेविंग होता है ना कि चेंज होते रहना, वे होते रहना, तो ऑप्शन ये भी नहीं लग रहा क्योंकि ऊपर बताया किसी चीज़ के बारे में सोचना और ये क्या है कि वेविंग होते रहना यानी कि चेंज होते रहना, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। और स्क्रूपल का मतलब हो गया कि किसी चीज़ के बारे में डाउट होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, रिजेक्ट भी नहीं हो सकता हमारा। बचा क्या, डिड्यूस, डिड्यूस का मतलब वही है किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है हमारा। नेक्स्ट है इडियम गिवन हमें बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मीनिंग होता है कि बाल बाल बचना, कि बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना कि हमारी गाड़ी बिल्कुल वहाँ पे गई और टकराने से बिल्कुल बाल बाल बच गई, वो होता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो ऑप्शन हमारा जो फोर्थ है ए वेरी नैरो मार्जिन, कि बिल्कुल थोड़े से मतलब बिल्कुल ही थोड़े मार्जिन से क्या हो बच गई हो, वो होता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट जो है उसमें हमें बताना है एंटोनिम प्रिजम्पशन का, प्रिजम्पशन का मतलब होता है देखो पहले ही क्या कर लेते हैं, जो एज्यूम कर ले, पहले ही एज्यूम कर ले यानी कि पहले ही मान के चले, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, जैसे कहते हैं ना कि मतलब बारिश का अनुमान लगाया गया है कि इतनी डेट को बारिश होने वाली है या फिर ओले गिरने वाले हैं, तो वो होता है प्रिजम्पशन। फर्स्ट है फैक्ट, फैक्ट तो वो हो जाता है, जैसे प्रिजम्पशन है वो कोई कंडीशन को देख के लगाया जाता है, भाई हाँ मतलब हवाएं ऐसे चल रही हैं या फिर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उनको देख के जो कंडीशन देख के लगाई जाती है। फैक्ट क्या होता है, बिल्कुल सच्चाई, वो तो चीज़ें क्या है कोई कंडीशन को देख के, फैक्ट होता है जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उन्हीं को देख के, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो राइट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, नहीं देखते हैं पहले एक बार, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आगे भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है कि अजम्पशन करना कोई चीज़, वही कोई कंडीशन हमें गिवन है उसको देख के हमें कोई कंक्लूजन हम जब निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम लग रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि सिनोनिम हो गया इसका, हमें बताना एंटोनिम है। थर्ड है अजम्पशन, अजम्पशन भी वही होगा कि जो कंडीशन गिवन है उनको देख के अजम्पशन अजम कर रहे हैं हम, कुछ अज्यूम कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ जो है वो है कंजक्चर, कंजक्चर का मतलब होता है कि कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके ऊपर कोई कंक्लूजन बनाना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है सिनोनिम नहीं बताना, तो जो फैक्ट है वही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हमें गिवन है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच बनानी है। समीता सेज आई लाइक चॉकलेट्स, कि समिता ने क्या कहा कि उसे चॉकलेट पसंद है। अब देखो ये प्रेजेंट में गिवन है, तो हमारा जो प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच गिवन होती है तो वो जनरली चेंज नहीं होती, तो डायरेक्ट इसी का ही बनेगा, सेड वाला कैंसिल हो जाएगा जैसे फर्स्ट है। सेकंड के अंदर समिता सेज दैट सी लाइक्स चॉकलेट, हाँ ये हो सकता है, पहले थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, समिता सेज सी लाइक्स चॉकलेट, लेकिन यहाँ पे हमें कंजंक्शन की जरूरत है वो गिवन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ है समिता सेज दैट, यहाँ पे डबल दैट हो गया तो ये ऐसे नहीं आ सकता, ऑप्शन सिर्फ हमारे पास कौन सा बचा, सेकंड। नेक्स्ट जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा, रिलेटिंग टू और करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, कि जो चीज़ें क्या किससे रिलेट करती हों और उसके अंदर किसके करेक्टर हो, हेल के, यानी कि मतलब नरक के जो करेक्टर हो, यानी कि गलत चीज़ें हों। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गिवन है डायबोलिक, डायबोलिक का मतलब होता है
कि एक जैसे भूत प्रेत होते हैं उनका करैक्टर होता है, कोई भी जैसे कहानी होगी कोई भी मूवी होगी उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है। सेकंड है एक्सक्रेबल। एक्सक्रेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भयानक, जो चीज़ें डराने वाली हो, ठीक है। तो जैसे कि ड्रेडफुल हो गया, एक्सट्रीमली बैड यानी कि बहुत जो बुरा हो ऐसा लगे, टेरिबल डराने वाला बिल्कुल वो होता है। जैसे भूत होते हैं कुछ मूवी होती है उनके अंदर, मतलब अलग अलग टाइप के जो वो मास्क लगा के आ जाते हैं तो ऐसा मतलब उनको देखते ही बिल्कुल डर लगता है, तो वो होता है एक्सक्रेबल। जो थर्ड ऑप्शन है वो है इलीजियम। इलीजियम का मतलब होता है कि मतलब आलीशान टाइप का, कि बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई हो, कुछ चीज़ मिल जाए तो हम कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, जैसे नई गाड़ी मिल गई, नई बाइक मिल गई, तो जो खुशी होती है वो होता है इलीजियम यानी कि ग्रेट हैप्पीनेस। फोर्थ ऑप्शन है वो है इन्फर्नल। इन्फर्नल यानी कि फर्नल से रिलेटेड, कि जब मर जाते हैं तो फर्नल होती है यानी कि हेल में, या फिर मतलब कि कोई भी वो करना गलत चीज़ों से रिलेट करना यानी नरक से। तो फोर्थ ऑप्शन लग रहा है कि इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी तो क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं वो कोई हैप्पीनेस बता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बैड है, जो रिलेटेड है हमारा हेल्थ से वो क्या है, इन्फर्नल। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है वर्ड इनक्रिमिनेट का। देखो इस वर्ड के अंदर क्या है, इन प्लस में क्रिमिनेट, क्रिमिनल इसी वर्ड से बना है, तो क्रिमिनल के हो अगर वर्ब बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, क्रिमिनेट। और इनका मतलब उसको अंदर धकेलना है, तो मतलब इनक्रिमिनेट मतलब किसी को अंदर जेल के अंदर डालना, किसी को क्रिमिनल बनाना। तो इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो इसका एंटोनियम फर्स्ट वाला है टू इनकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब देखो हमारा एक वर्ड होता है कल्प्रीट, CULPRIT। कल्प्रीट का मतलब होता है दोषी। तो कल्प यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गलत करना। तो इनकल्पेट तो कोई गलत चीज़ में जाना और वही किसी को क्रिमिनल बनाना, बिल्कुल ये सिनोनिम है, किसी को क्रिमिनल बनाना और किसी को गलत काम में धकेलना, बिल्कुल सिनोनिम है यहाँ पे, ये वर्ड नहीं होगा हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड है टू अट्रीब्यूट। अट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना या किसी को कुछ चीज़ें अलॉट करना। मान लो मेरी जो सक्सेस मिली है अगर मैं किसी को देना चाहूँ तो क्या कहूँगा, जैसे दिस सक्सेस इज अट्रीब्यूटेड टू हिज हार्ड वर्क। तो क्या है, जो मेरी सक्सेस है वो उसके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग है, तो किसी को कुछ दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो भी क्या है, इसका सिनोनिम है, पता नहीं एंटोनिम ये से रिलेट नहीं कर रहा, देखते हैं बाद में इसको। थर्ड ऑप्शन टू एलेज। एलेज का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना, आरोप लगाना वही है इसका सिनोनिम है, किसी को इनक्रिमिनेट करना, किसी को इनकल्पेट करना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है किसी टू एग्जोनोरेट। एग्जोनोरेट का मतलब किसी को बरी करना, इसका सिनोनिम हो जाता है हमारा अब सोल्व, किसी को अब वो चीज़ें सोल्व हो चुकी, बाहर जा चुकी हैं। या एक्विट करना किसी को चीज़ें, अब वो चीज़ें क्या हैं, एक्विट कर जा चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं, तो जेल से बाहर करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको फ्री करना होता है टू एग्जोनोरेट। अब देखो हमारा एट्रीब्यूट किसी को देना और टू एग्जोनरेट किसी को बाहर रिलीज करना, और जो हमारा वर्ड है टू इनक्रिमिनेट किसी को जेल में डालना है, क्रिमिनल बनाना, तो जो एट्रीब्यूट है वो उसे रिलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि एंटोनिम नहीं बता रहा। एंटोनिम कौन सा वर्ड बता रहा, हमारा फोर्थ ऑप्शन वो है, वो बता रहा हम लोगों को कि किसी को बाहर करना, तो एंटोनिम बिल्कुल राइट है कि फोर्थ ऑप्शन का क्या रहेगा, एंटोनिम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्टिव पैसिव गिवन है माई फादर प्रोमिस्ड मी ए गिफ्ट। देखो इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और ए गिफ्ट। ए गिफ्ट यहाँ हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हमें अब जब भी हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जनरली बनाया जाता है। अगर हमारे पास अगर कोई चॉइस गिवन है तो हम डायरेक्ट पे जाएंगे, तो ठीक है मेरे फादर ने मेरे को प्रोमिस किया कि वो मेरे को गिफ्ट ला के देगा, तो क्या होगा, ए गिफ्ट वॉज प्रोमिस्ड टू मी बाई माई फादर। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। माई फादर प्रोमिस्ड दैट, इसका तो पैसिव बनाया नहीं, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया दैट लगा के, नहीं हो सकता, वर्ड की जरूरत हमें नहीं है। आई हैड बीन नहीं, प्रोमिस्ड का हम लोग बनाएंगे वाज या वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ये हमारा नहीं बनेगा। आई वॉज प्रोमिस्ड ए गिफ्ट बाई माई फादर, ये भी बिल्कुल देखो इसने ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना दिया, ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दोनों आंसर यहाँ पे ठीक है। अगर इनमें से भी आप लोगों को सेलेक्ट करना है तो आप जाओगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले के पास, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इन दोनों में से अप्रोप्रिएट रहेगा, लेकिन फोर्थ वाले में भी कोई एरर नहीं है। वैसे एसएससी ने गलती की है, वैसे दोनों हमारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे कभी आप लोगों को, अगर कभी ऐसे मिलता भी है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओगे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। 18वां क्वेश्चन है
बस सिनोनिम बताना हमें वर्ड इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस देखो मतलब आनुवांशिक चीजें मिलना। हमें इसका इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी एक वर्ड होता है, हमारे साइंस में एक चैप्टर आता है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। मतलब माता पिता के पास जो हमारे गुण थे वो हमारे ऊपर ट्रांसफर हो गए और हमसे हमारे बच्चों के ऊपर होंगे। तो किसी चीज़ को कुछ मिलना तो इनहेरिटेंस वो वर्ड होता है। सिनोनिम एनकम्बरेंस होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ में कोई बाधा होना, ऑब्स्टेकल होना। तो इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं, जब चीज़ें मिल ही रही हैं तो ऑब्स्टेकल तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। सेकेंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होता है किसी चीज़ को कर्तव्य करना, उसको मस्ट है, वो चीज़ करनी पड़ेगी, वो चीज़ ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेशन जैसे हम लोगों को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हमारा ऑब्लिगेशन है, तो उस टाइप में ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन इनहेरिटेंस का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। D3 है जो सी ऑप्शन है, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट होता है किसी चीज़ को क्लियर वे से व्यक्त करना, क्लियरली कहना किसी चीज़ को, मैनिफेस्ट होता है। मान लो मैंने किसी को स्पीच बताई है, किसी को मैंने डेफिनेशन बताई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से और क्लियर तरीके से किसी चीज़ को कुछ बताना, वो होता है मैनिफेस्ट करना। तो मैनिफेस्ट करना और इनहेरिटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी को कुछ देना। मान लो बिक्वेस्ट होता है जैसे अपना फादर देता अपने बच्चों को जो उसके पास वसी है, तो बिक्वेस्ट करता है, तो वो भी बिक्वेस्ट होती है। इसका सिनोनिम हो जाता है लिगेसी। लिगेसी का मतलब अगर किसी की डेथ होती है किसी के फादर की, तो अपने आप वो लिगेसी किसके पास आ जाएगी? उसके बेटे के पास आ जाएगी वसीयत। तो उस सेंस में भी हम लोग करते हैं। इसका एक वर्ड होता है एंडाउमेंट। तो एंडाउमेंट भी इसका क्या है? सिनोनिम है। और किसी चीज़ को ये चीज़ प्रदान करना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में हमें एरर बताना है। अनदर चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हर इज दैट सी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। कहने का मतलब वो अनदर चेंज, एक और चेंज आया है उसके अंदर, वो क्या है? अनदर चेंज इज दैट, देखो यहाँ पे जो इज है ये यहाँ पे वर्ब आई है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? अनदर चेंज इज दैट सी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। क्या वो अवॉइड करती है मेरे से बोलने को, मेरे से अब नहीं बोलती, मेरे से बोलने से कतराती है वो। दैट आई नोटिस्ड इन हर, मैंने वो उसके अंदर नोटिस किया है। अब देखो हमारे यहाँ पे एरर थर्ड पार्ट में है, क्योंकि वर्ड अवॉइड हमेशा जिरंड लेती है अपने बाद, अब इसके बाद टू इन्फिनिटिव नहीं आएगा, तो अवॉइड्स स्पीकिंग आएगा यहाँ पे, अवॉइड्स स्पीकिंग। देखो कोई पार्टिकुलर रूल नहीं होता इस चीज़ करने का, आप लोगों को वो पार्टिकुलर वर्ब ही याद करनी पड़ेगी कि किन के बाद हम लोग जिरंड यूज करते हैं, किन के बाद हम टू इन्फिनिटिव यूज करते हैं। जैसे होता है स्टॉप होता है वर्ड, स्टॉप, अवेल, या होती है स्टार्ट होना, इन चीज़ों के साथ हम लोग जनरली जिरंड यूज करते हैं। तो एक बार अपना आप लोग कॉपी में लिख लो कि किन के साथ हम लोग यूज करते हैं, या हम लोगों ने पेज पे भी शेयर कर दी हैं चीज़ें ये कि किसके साथ हम लोग जिरंड यूज करते हैं और किसके साथ हम लोग इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वर्ड की स्पेलिंग बतानी है। फर्स्ट वाला वर्ड है ग्रैपल्ड। ग्रैपल्ड का मतलब क्या होता है किसी के, देखो एरर सिर्फ इसमें क्या है कि हमारे डबल पी गिवन होता है, मतलब क्या सॉरी यहाँ पे डबल पी हमें गिवन होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है इसकी GRAPPLED। ग्रैपल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से स्ट्रगल करना या किसी चीज़ से हम लोग झगड़ा करना, वो होता है ग्रैपल करना। कहते हाथापाई हो गई, तो दे आर ग्रैपलिंग विच इज अदर, तो उस सेंस में ग्रैपल होगा, लेकिन ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। सेकंड है पैटर्ड। देखो पैटर्ड का मतलब दो मीनिंग होते हैं इसके। एक पैटर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग ड्रम बजाते हैं फटाफट टप 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 करके, तो टैपिंग होती है, टैप का मतलब किसी को थपथपाना, तो टैपिंग भी इसका सिनोनिम हो जाता है। और एक और मीनिंग यूज होता है इसका, कौन सा? किसी जगह पर जल्दी भागना, स्करी। यहाँ पे क्या इसका एक सिनोनिम हो जाएगा कि किसी जगह पर जल्दी भागना, स्करी, स्कटल, ये दोनों बिल्कुल क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, अपने छोटे छोटे कदमों से जल्दी भागना। तो पैटर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर और सिनोनिम भी है, सिनोनिम सॉरी यहाँ पे राइट स्पेलिंग भी हमारी। थर्ड ऑप्शन है पैरेलल। पैरेलल में तो स्पेलिंग बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा, डबल एल आता है, PARALEL। तो ये हमारा रहेगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ है एम्फैटिक। एम्फैटिक यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे क्या है स्पेलिंग गलत है इसकी, क्या आएगा? EMPHATIE। एम्फैटिक का देखो, हमारे एम्फैटिक नाउन होते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। एम्फैटिक का मतलब टू एम्फसाइज, किसी चीज़ को जो एम्फसाइज करे वो होता है एम्फैटिक। तो हमारा क्या है? सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो हमें क्लोज टेस्ट गिवन है, पढ़ लेते हैं। द स्टोमैक डैश एंड द माइंड रिवोल्ट्स डैश द मीडिया रिपोर्ट सच इवेंट्स, येट वन रियलाइज दैट
देयर इज लिटल फॉलो डैश. इट इज ऑलमोस्ट एज इफ सच इवेंट्स पाइल अप ऑन द असेंबली लाइन ऑफ मेमोरी एज सोसाइटी सीम्स अनेबल टू डैश सच इवेंट्स. देयर इज बोथ डिनायल एंड डैश इन द वे वी कंज्यूम द इवेंट. कि यहाँ पे कुछ मतलब कोई इवेंट है उसके बारे में कि मीडिया ने कोई रिपोर्टिंग की होगी उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि हम कैसे फील करते हैं और वो चीज़ सोसाइटी को कैसी लगती है. तो हम ऑप्शन के साथ देखते हैं जो फर्स्ट गिवन है द स्टोमक डैश एंड द माइंड रिवोल्ट डैश द मीडिया रिपोर्ट सच इवेंट्स. देखो फर्स्ट के लिए हमें द स्टोमक स्टायर, स्टायर का मतलब होता है कि जब घुमाना किसी चीज़ को, जैसे कि हम पानी के अंदर चीनी डाल देते हैं नींबू पानी बनाने के लिए, तब हम जो डंडे से घुमाते हैं वो होता है स्टीयर कि घुमाना. तो सेकंड है टर्न्स, टर्न होता है कि जब हम मुड़ना सिंपल. ट्विस्ट भी होता है मुड़ जाना, वैसे ट्विस्ट वो भी होता है, कहते हैं ना कि स्टोरी के अंदर ट्विस्ट आ गया यानी कि एक नए मोड़ पे वो चीज़ चली गई. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है चर्न्स. चर्न्स का मतलब होता है कि कोई आवाज़ होना या फिर घूमना, दोनों यूज होते हैं. लेकिन जो हमें गिवन है कि द स्टोमक एंड द माइंड रिवोल्ट, तो जो जो स्टोमक चर्न होता है वो एक फ्रेज की तरह यूज होता है जिसका मीनिंग होता है कि मतलब जब हम नर्वस फील करते हैं कि जैसे रिजल्ट आ रहा होता है तो हम मतलब थोड़ी बहुत आवाज़ें आने लग जाती है पेट से गुड़गुड़ की, तो वो होता है स्टोमक चर्न. ठीक है, जब हम नर्वस फील करते हैं. और माइंड क्या करने लग जाता है, तब बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब नर्वस फील करते हैं तो हमारा दिमाग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चलने स्टार्ट हो जाती है. भाई पता नहीं क्या होगा, सही आएगा या गलत आएगा, अगर सही आ गया तो मेरे साथ क्या होगा, गलत आ गया तो मेरे साथ क्या होगा. तो वो चीज़ें जो चलती रहती हैं उनको बताया गया है कब. तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन हमारा फोर जो है वो राइट रहेगा, स्टोमक चर्न एंड द माइंड रिवोल्ट्स डैश द मीडिया रिपोर्ट सच इवेंट. कब की बात है, जब मीडिया ऐसे जो इवेंट्स हैं उनकी रिपोर्टिंग करती है. व्हेन, जब रिपोर्ट करती है. इफ, जब यदि रिपोर्ट करती है. तो यदि रिपोर्ट नहीं करती, ठीक है, एज क्योंकि या जैसे रिपोर्ट करती है नहीं, बीइंग भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं है. हमारे पास क्या बचा, सिर्फ व्हेन, कि जब मीडिया रिपोर्ट करती है ऐसे इवेंट्स की तो क्या होता है कि नर्वस फील करने लग जाते हैं. आगे है येट वन रियलाइज दैट देर इज लिटल फॉलो डैश. कि लेकिन होता क्या है कि किसी को ये लगता है, कोई ये सोचे कि ये बहुत ज़्यादा कम क्या करता है, फॉलो डैश करता है. फर्स्ट ऑप्शन है फॉलो ऑन करता है, फॉलो अप, फॉलो अबाउट या फॉलो थ्रो. फॉलो थ्रो का मतलब होता है कि जब मतलब कोई भी बॉल को हिट किया जाता है, गेम के अंदर जनरली देखा जाता है कि हिट करने के बाद जो बैट है वो चलता रहे, उस मूवमेंट को कहा जाता है फॉलो थ्रो, कि बॉल को हिट करने के बाद जो चीज़ मोशन में होती है. ठीक है, तो देखते हैं थर्ड, देखते हैं क्या है फॉलो अबाउट. फॉलो अबाउट का मतलब होता है कि हमेशा मतलब एक ही रूटीन को फॉलो करना. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है फॉलो अप. फॉलो अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ का कोई कनेक्शन होना या फिर किसी चीज़ को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना. ठीक है, फॉलो अप. फर्स्ट है फॉलो ऑन. फॉलो ऑन का मतलब होता है कि जो दूसरा जैसे कर रहा हो ना वैसे ही मैं करूं. या जैसे कि क्रिकेट के अंदर होता है कि उन्होंने, कोई टीम ने स्कोर बना दिया है, अब दूसरी टीम उसको क्या करेगी, फॉलो ऑन देगी कि उनको इतने जो रन है बनाने हैं. तो देख लेते हैं, ये कह रहा है येट वन रियलाइज दैट देर इज ए लिटल फॉलो ऑन या आपकी कोई मतलब फिर भी मतलब वन कोई ये सोचता है कि जो ये चीज़ है बिल्कुल ही थोड़ी है, क्या है उसका कनेक्शन जो है वो कम है. हो सकता है, पहले आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है. इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ सच इवेंट्स पाइल अप ऑन द असेंबली लाइन ऑफ मेमोरी एज सोसाइटी सीम्स अनेबल टू डैश सच इवेंट्स. कह रहा है कि ये जो चीज़ें क्या, इतनी मतलब जो रिपोर्टिंग है वो इतनी ज़्यादा ज़्यादा आती रहती है, इतनी इकट्ठी हो जाती है. पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है के अंदर कि जो सोसाइटी है वो ऐसा लगता है कि उन चीज़, उन जो इवेंट्स जो आ रहे हैं उनके बारे में या तो समझ नहीं रही है या फिर उनको मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है. तो देखो कि जो कनेक्शन पहले से आ रहा था तो उनको चीज़ों को वो सोसाइटी जो है वो समझ नहीं पा रही है और ना ही दूसरे इस बात को समझ पाते हैं. तो हमें ऐसा चाहिए कि जो कनेक्शन को दिखाए, और हमारा कनेक्शन कौन सा दिखा रहा था, फॉलो अप. तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो है राइट आंसर रहेगा फॉलो अप. कहने का मतलब मैम यही है कि यहाँ पे जो सच इवेंट्स की बात कर रहे हैं वो अपने आप में लिटिल फॉलो
ऑन करते, सॉरी लिटिल फॉलो अप करते हैं, मतलब उनके बीच में अपने आप में भी कनेक्शन बहुत कम होता है, कि वो इवेंट्स तो डालते रहते हैं कि मीडिया ये दिखा दिया वो दिखा दिया ये वो दिखा दिया, लेकिन अपने आप में कनेक्शन नहीं होता उन चीज़ों में। कहने का मतलब यही क्या मैम यहाँ पे? सर बिल्कुल, और साथ में क्या होता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ, और ऐसा ही लगता है कि जो ये इवेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो जाते हैं असेंबली लाइन ऑफ मेमोरी की मेमोरी के अंदर, एज क्योंकि जो सोसाइटी है उनको क्योंकि समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, एज सोसाइटी सीम्स अनेबल टू डैश इवेंट्स, क्योंकि जो सोसाइटी है वो क्या नहीं कर पाती है ऐसे इवेंट्स को, ऑप्शन देख लेते हैं क्या गिवन हमें, लर्न नहीं कर पाती है, एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है समझना किसी चीज़ को, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट होता है कि जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं उनको इंक्लूड कर लेना, कॉर्पोरेट सोसाइटी होगी, इनकॉर्पोरेट सेक्टर्स होंगे वो चीज़ें, स्ट्रेटजीज होता है कि मतलब किसी एम को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं। तो जो सोसाइटी है ये इतने जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो रिपोर्टिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि जो सोसाइटी है वो ऐसे इवेंट्स को समझ नहीं पा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड है एसिमिलेट वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल मैम, अगर मान लो बात करें भी हम लोग तो हम अगर एलिमिनेशन पे जाएं तो क्या बात क्या है, जो अनेबल है यहाँ पे क्या है, कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अगर हमें बताया कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यानी अगर जब हमारी चीज़ें कम्प्लीमेंट होती है, एडजेक्टिव होती है, अगर उनके बाद टू गिवन है तो होता है तो हम वर्ब देते हैं वहाँ पे, तो वर्ब हमें चाहिए यहाँ पे, तो स्ट्रेटजीज एक वर्ब नहीं है, स्ट्रेटजीज यहाँ पे नाउन है, स्ट्रेटजीज इनकॉर्पोरेट मैंने बता दिया, लर्न हम लोगों को यहाँ पे क्या सीख नहीं रही चीज़ों को क्या है, असिमिलेट का मतलब होता है उस चीज़ को अंदर लेना और उस चीज़ को समझना। तो अब चीज़ें अपने आप से कनेक्टेड है ही नहीं तो चीज़ों को समझेंगे कैसे, तो सोसाइटी इसको चीज़ को समझ ही नहीं पाती कि है वो दिखाई दे रही कि वो अनेबल है उस चीज़ को समझने में, ऐसे इवेंट को समझने में असमर्थ है। फिर बात क्या है, देयर इज बोथ डिनायल एंड डैश इन द वे वी कंज्यूम द इवेंट, कि यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें बताई गई हैं, एक तो डिनायल भी है और एक दूसरा है इन द वे वी कंज्यूम द इवेंट, कि हम जो इवेंट होते हैं उनको अपने अंदर कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे उसको समझते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए क्या है, फर्स्ट हमें गिवन है नेगेशन, नेगेशन का मतलब होता है उसको नेगलेक्ट कर देना, मना कर देना। सेकंड है बायस, बायस वही कि किसी एक चीज़ के बारे में मतलब फिक्स रहना, भाई यही चीज़ ठीक है यही चीज़ या फिर गलत है। थर्ड ऑप्शन है इनडिफरेंट, कि इनडिफरेंस हो जाना, कि इनडिफरेंट की पता ही ना चले भाई आपको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, अपना कोई भी मतलब राय न दे। फोर्थ ऑप्शन है रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल का मतलब भी होता है कि मना कर देना। अब देखो ये पहले ही बता दिया उसने कि क्या है यहाँ पे, देयर इज़ बोथ डिनायल, अब डिनायल तो बता दिया है तो कुछ उसके अलावा एक वर्ड चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है वो भी क्या है गिवन है, नेगेशन यानी कि नेगलेक्ट कर देना यानी कि मना कर देना, और थर्ड है रिफ्यूज़ल कि क्या हो चुका है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन बचा थर्ड और फोर्थ, जो थर्ड और सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है बायस, कि उस चीज़ के बारे में बायस है या फिर इनडिफरेंट है। देखो वो मना कर रहे हैं डिनायल कर रहे हैं तो वो बायस नहीं है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है कैसे समझना है, और वो समझने में भी मतलब उनको मुश्किल हो रही है उस चीज़ को, जो इवेंट्स हो रहे हैं जो रिपोर्टिंग हो रही है उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या है अपना जो इनडिफरेंट जो बिहेवियर है वो शो कर रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट रहेगा। कहने का मतलब मैम यही है कि जैसे देयर इज बोथ डिनायल एंड डैश इन द वे वी कंज्यूम द इवेंट, यहाँ पे वी कंज्यूम द इवेंट का मतलब है कि जैसे हम लोग इवेंट को देखते हैं उसके अंदर हमारी दो वो दोनों चीज़ें हैं, कौन सी, डिनायल भी है और इनडिफरेंस भी है। यहाँ पे डिनायल एक नाउन है तो हमें जो फिलर में आएगा वो भी क्या है, एक नाउन आएगा, मतलब जिस तरीके से हम लोग इवेंट को देखते हैं उसके अंदर एक डिनायल भी है और इनडिफरेंस भी है, मतलब क्या है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे ही नहीं है वैसे देखे जा रहे हैं, तो उससे चीज़ क्या सो होती है कि हम उसको मना कर रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिखा रहे हो आप, मतलब इसका ये, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। बाय द वे रिफ्यूजल भी यहाँ पे नाउन है, हम कहते हैं कि जो चीज़ एल पे एंड होती है एडजेक्टिव होती है, लेकिन सारी चीज़ें एडजेक्टिव नहीं होती, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, तो रिफ्यूजल और डिनाइल दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो वही बात होती है, देखो ये SSC का हमने किया, SSC वाले करते ही ऐसे ही कि बीच में कहीं से भी आप लोगों को उठा के दे देंगे, आप लोगों को शायद मिनी कंसीव हो या ना हो आप लोगों को, लेकिन
इतनी हमारी रीडिंग होनी चाहिए कि हम लोग समझ पाएं यार बात किसके बारे में हो रही है। तो आई मस्ट से कि दोबारा आप लोगों को कि रीडिंग करते रहना चाहिए, जितना आप रीड कर पाओगे उतना ही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगी, और जितना अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगी उतना ही हम लोग अच्छे नंबर ले पाएंगे। क्योंकि ये देखो CPO का पेपर भी आ रहा है, फॉर्म की लास्ट डेट भी नज़दीक है, उसके बाद पेपर होगा हमारा, और उसके बाद क्या है हम लोगों को इंग्लिश ही मस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो टायर टू होगा वो इंग्लिश का है, और तब तक हम लोगों की इंग्लिश ऐसी कर लेनी है कि यार 200 में से कम 170 तो आराम से आ जाए। अगर अच्छी पोस्ट लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो रीडिंग मस्ट है, तो रीडिंग करते रहिए। इसके साथ साथ बाय बाय।